हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल बहुत कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है कतर फर्जी कागज दिखाकर भारत से करोड़ों का माल छुपाकर ले जा रहा था, भारत ने पूरा जहाज ही जब्त कर लिया। कतर जो एक टाइम पे इंडियन नेवी के बंदे पकड़ के बैठा था, वो खुद आज आज उस भारत के नेवी के 8 बंदे पकड़े थे, भारत ने पूरा जहाज धर दबोचा और भारत से कोई कागज चुरा, मतलब फर्जी कागज, मतलब नकली कागज उसके दिखा रहा था और माल भी नहीं बता रहा था। तो भारत ने सही जब्त किया और अब भारत के बदले का टाइम आ गया। तो क्या हुआ सारा सीन, इसके ऊपर जानेंगे भाई। कतर, अच्छा खुद बातें करोड़ों की, दुकान निकली पकौड़ों की। तो भाई साहब खुद इतने बड़े हो और भारत फिर तुम्हें छोड़ता है। तो पहले भाई इन्फोटेक का गाइस, ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजिम सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कमाल का इनका कंटेंट है। काउंट ऑन करते हैं वीडियो एंड स्टार्ट। बीते साल भारत के 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाने के बाद से ही भारत और कतर के बीच के रिश्ते गड़बड़ा गए थे। बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि भारत ने कतर के साथ $3 बिलियन की ग्रीन एनर्जी की डील तक रद्द कर दी। कतर भले ही दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, कतर में हर तीसरा इंसान करोड़पति है। कतर प्रशासन का शासन भी कठोर है, पर इन सब के बावजूद कतर भारत के उन 8 नेवी अफसरों को एक खरोच तक नहीं दे सका। हालांकि झाकिर नाइक जैसे भगोड़ों को पनाह देकर और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहकर कतर आज भी भारत विरोधी ही काम कर रहा है। इवन अभी जो खबर आपको बताऊंगा उसमें भी कतर ने भारत को चूना लगाने की ही कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ा गया। देखिए, खबर निकल कर आई है कि भारत की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, यानी टाटा, अदानी और जिंदल, तो इन कंपनियों ने कतर शिपमेंट पर अवैध तरीके से स्टील स्क्रैप को चुराने का आरोप लगाया है। दरअसल भारतीय स्टील निर्माता कंपनियों ने दावा किया है कि कतर के कुछ शिपर्स भारत से स्टील स्क्रैप की तस्करी कर रहे। ये शिपर्स न सिर्फ फर्जी दस्तावेज के तहत स्टील स्क्रैप की तस्करी कर रहे, बल्कि इससे भारत को सीमा शुल्क का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही अवैध तरीके से भारत का स्टील कतर जा रहा है। ये शिपमेंट जहाज की गलत लोडिंग बिल, गलत ओरिजिन कंट्री और लोडिंग के बंदरगाह के फर्जी ओरिजिन सर्टिफिकेट दिखाकर भारत का माल कतर भेज रहे थे, जो कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का गंभीर उल्लंघन है, जिसे तुरंत रोकना ही होगा, क्योंकि इससे भारत को हर साल $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जब ये बात भारत सरकार को पता चली तो फौरन कोस्ट गार्ड और पुलिस अधिकारी भेजकर कतर शिपमेंट पर कार्यवाही करते हुए उनके अवैध माल के जहाज जब्त कर लिए गए। कार्यवाही में ये पता चला कि ये पूरा जहाज हजारों करोड़ रुपयों के स्टील माल से भरा पड़ा था, जिसे भारत को बिना सीमा शुल्क दिए ही कतर रवाना करने की तैयारी चल रही थी। और ये जहाज चला भी जाता अगर हमारी स्टील कंपनियों ने समय रहते इसकी जानकारी भारत सरकार से शेयर ना की होती। हालांकि कतर प्रशासन अपने शिपमेंट को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से संपर्क कर रही है, लेकिन भारत उतना खास रिस्पॉन्स कतर को नहीं दे रहा, क्योंकि कतर प्रशासन को मालूम था कि भारत के ऐसे अवैध माल के जहाज उनके देश आ रहे, फिर भी उन्होंने कभी भारत को इस बारे में जानकारी नहीं दी। और आज जहाज क्या पकड़े तो यही कतर भारत से मिन्नतें कर रहा है। अब भारत सरकार का भी साफ कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक जहाज तो कतर वापस नहीं जाएगा। उल्टा भारत ने कतर से सवाल किया है कि इस जांच पड़ताल में कतर प्रशासन हमारी पूरी सहायता करे। आपको याद होगा ऐसा ही किस्सा पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के जहाज को मुंबई के बॉम्बे हार्बर पर सीधे सीज कर दिया था, क्योंकि उसमें परमाणु हथियार संबंधित सामग्री बरामद हुई थी। जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वो कहते हैं ना, किसी से पंगा ना लो कि उसी के जाके कदमों में गिरना पड़े। भारत को मजबूर कर रहे थे, भारत से मिन्नतें करवा रहे थे कि भाई देखो, दुनिया को बता रहा था कतर, देखो इतना बड़ा देश मेरी मिन्नतें कर रहा है। कितना लटकाया उसने काम को भारत के लोग, क्योंकि भारत के लिए उसके ऑफिसर, उसके लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत उनकी मतलब रिहाई के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे भाई उनकी एक रिक्वेस्ट के साथ उनको बचाया जा सके या फिर गुस्से के साथ।
तो भारत बड़ी इनकी मतलब भारत ने की मतलब एक बातें अंदर खानी में चलती रही और भारत की इन्होंने भी लंबियां टहनियां दे के फिर आखिरकार छोड़े। चलो अच्छी बात है छोड़ दिए, लेकिन भारत ने भी आज पकड़ लिया। आज भारत भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उल्टा भारत कह रहा है आप हमारे साथ कोऑपरेट करो। इन्होंने इस तरह किया, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी सब कुछ। और इससे पहले शायद कितना लेकर जाते रहे हो, यही फर्जी माल दिखाते हैं वो। दो नंबरी करते हैं जब जो है ना, फिर पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम जो है ना पावरफुल, हमारे में देश में कानून है सब कुछ। अब इनके खिलाफ कार्रवाई करते हो, दो नंबर करते हो तो फिर भाई इस तरह करो। इंडिया ने भी फिर कैसे जवाब दिया? इंडिया ने भी तुम्हें वो बार आप तक कर रहे हैं, इंडिया रिस्पांस ही नहीं दे रहा। इंडिया कहता नहीं भाई पहले इन्वेस्टिगेशन होगी। इंडिया कहां देता है? सीधी सी बात है, भारत की सीधी बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी तब देंगे, नहीं तो भले में जाओ। सीधी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दें आप लोग कमेंट सेक्शन में, मतलब आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। कैसे अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार